स्टूडेंट्स नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट ये भी मीन डिफरेंस को चेक करने का एक टेस्ट है और एक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट जो है ये अल्टरनेट टू पीयड सैम्पल टी टेस्ट है जो कि हमने पढ़ा था एज अ पैरामेट्रिक टेस्ट uh, ये उसका इक्वलेंट नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट है और uh, इसको हम uh, कब यूज़ uh, करते हैं जब डेटे में नॉर्मलिटी ना हो तो हम फिर पेड सैम्पल टी टेस्ट की बजाय विलकॉक्सन साइन रैंक टेस्ट यूज़ करते हैं और इसमें जो है हम देखते हैं कि दो जो ऑब्जर्वेशन हैं एक ही वेरिएबल के ऊपर बिफोर एंड आफ्टर ऑफ आफ्ट द ट्रीटमेंट उसमें क्या कोई सिग्निफिकेंट डिफरेंस है यहाँ के नहीं है जैसे कि हमने उसमें पढ़ा था पेयर्ड सैम्पल टी टे, टेस्ट में आ, और हमने एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइंस में कि आप एक रीडिंग ले लेते हैं बिफोर द इंटरवेंशन और एक रीडिंग ले लेते हैं आफ्टर द इंटरवेंशन और उन दोनों रीडिंग्स में कोई सिग्निफिकेंट चेंज है कि नहीं है इसको हम पेयर्ड सैम्पल टी टेस्ट से देख लेते हैं तो अगर डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो यानी ये डिज़ाइन अगर को ज़ाय एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन है आपका रिसर्च डिज़ाइन और उस उसमें ऐसे आपने एक बिफोर रीडिंग ले ली और फिर उसके बाद इंटरवेंशन की और उसके बाद फिर आपने एक रीडिंग ली तो उसके लिए हम मिल्क ऑक्सन शाइन रैंक टेस्ट यूज़ करेंगे इंस्टेड ऑफ़ पेड सैम्पल टी टेस्ट तो इस तरह आपके पास ये तीन टेबल्स आएंगे। पहले तो उनके मीन स्कोर्स आ जाएंगे आपके पास यहाँ पे जैसे स्कोर वन और स्कोर टू है 11.20 पॉइंट टू जीरो ट्वेल्व पॉइंट फोर थ्री और इसमें जो नेगेटिव रैंक्स हैं यानी जो आपकी जो आ, उसकी वैल्यू है मीन रैंक टेन पॉइंट फोर आ, ये फोर्टीन केसेस ऐसे हैं जो कि इससे आ, जो है ऊपर हैं और पॉजिटिव रैंक्स आपके पास सेवनटीन है और इनका मीन रैंक ट्वेंटी पॉइंट फाइव सिक्स है जो कि आपके मीन से आ, जो है इससे ऊपर हैं तो आ, जी की अगर हम वैल्यू देखें तो ये माइनस पॉइंट वन नाइन नाइन सेवन है और ये पी वैल्यू इसकी पॉइंट ज़ीरो फाइव से अबाउट टू लो है पॉइंट ज़ीरो फोर है पर लो uh, है तो हम इसको एक्सेप्ट करेंगे अल्टरनेट हाई पाथसेस को कि uh, जो है दोनों स्कोरस में एक स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंट डिफ्रेंस है यानी बिफोर एंड आफ्टर uh, जो हमारे पास रीडिंग है वो एक दूसरे से उनके मेन डिफरेंसेस स्टेटिस्टिकली सिग्निफिकेंटली डिफर करते हैं तो विलकॉक्सन साइन बैंक टेस्ट हम यूज़ करते हैं जब डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ना हो और हम जब पेड सैम्पल टी टेस्ट इस्तेमाल ना कर सकते हों